नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी के अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा हाल ही में एक NFO लाया गया है, जो NFO 15 नवंबर से खुला हुआ है। यह NFO है मित्रों, टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड। पहले हम समझ लेते हैं कि फोकस्ड फंड क्या होता है। फोकस्ड फंड मतलब वो फंड होता है मित्रों, जो कम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति फोकस कुछ ज़्यादा होता है, कुछ ज़्यादा ही एलोकेशन होता है। यदि पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 शेयर ये लोग रखते हैं। हालांकि 30 भी नहीं होता है, 22-25 के आसपास शेयर होते हैं। तो जब शेयर्स 22-25 होते हैं तो शेयरों पे वेटेज अधिक मिलता है। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की बात करें, चाहे HDFC टॉप 100 फंड की बात करें, तो उस फंड में आप देखेंगे तो 60 के ऊपर पोर्टफोलियो में स्टॉक है। और यदि आप फोकस फंड में चले जाइए, मोतीलाल ओसवाल 35, तो उसमें 23 शेयर है। तो जब हम पैसा लगाते हैं मित्रों, तो जब 60 शेयर होता है तो कई ऐसे स्टॉक होते हैं जिस पर 2-3% तक का वेटेज मिलता है। और यहाँ 22 शेयर हैं तो मिनिमम किसी भी शेयर पर आप देखेंगे तो 3-4% तक का वेटेज मिल जाता है। तो जब वेटेज मिलता है ज़्यादा, तो फिर जब शेयरों में तेजी आती है तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। कई लोगों का कहना होता है मित्रों कि मार्केट में फायदा लेने के लिए एक तो बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे स्टॉक के साथ रहें, दूसरा चीज़ कि वो कितनी मात्रा में हम लेके रह रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं और अच्छे स्टॉक लेते हैं, लेकिन मात्रा कम होते हैं। अब मालूम चलता है कि जो शेड्यूल किस्म का शेयर होता है, जो ख़राब शेयर होता है, उसकी भारी मात्रा हम उठा के रखे होते हैं। और जो शेयर लगातार बढ़ रहा होता है, जैसे HDFC AMC की बात करें, वो मालूम चलता है कि 5 शेयर रख रखे हैं। और जो ख़राब क्वालिटी का शेयर है, जो शेयर नीचे जा रहा है, उसको शेयर 50,000 का रखे हुए हैं। तो होता क्या है कि वेटेज जो है बहुत निर्भर करता है कि पोर्टफोलियो में रिटर्न कितना आएगा। तो टाटा फोकस्ड फंड का जो फोकस्ड फंड है, ये 30 शेयरों का अधिकतम 30 शेयरों में निवेश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वेटेज ज़्यादा मिलेगा। तो वेटेज जब ज़्यादा रहेगा तो इसी के अनुपात में रिस्क भी होता है, इसी के अनुपात में रिवार्ड भी होता है। म्यूचुअल फंडों के एंड से देखा जाए मित्रों, तो फोकस्ड फंड एक फायदेमंद होता है, क्योंकि फंड जो है एक एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। हम यदि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम में से कई गलतियां हो जाती हैं, कई शेयर्स अच्छे चुन नहीं पाते हैं, लेकिन फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे अच्छे शेयर चुन लेता है। तो फोकस्ड फंड जो थोड़ा सा जोखिम ले सकता है और जो अच्छा रिवार्ड चाहता है, फोकस्ड फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। लेकिन फोकस फंड रखे तो क्या टाटा का फंड रखा जाए, टाटा के NFO में पैसा लगाया जाए? एज ए फंड हाउस मित्रों, टाटा का जो फंड होता है, आप किसी भी कैटेगरी में देख लीजिए, कहीं भी टॉप परफॉर्मर लिस्ट की सूची में नहीं होता है। एक दो फंड उसके हैं, टाटा PE फंड है, वो ठीक ठाक परफॉर्म करता है। बाकी जितने भी उसके फंड होते हैं, सभी के सभी फंड आप पाएंगे अपने कैटेगरी में नीचे से आता है। तो एज ए फंड हाउस मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाटा का फोकस फंड नहीं लेना चाहिए। इसका बेंचमार्क मित्रों BSE 200 है, फंड मैनेजर इसके रुपेश शाह हैं, और यह जो है 15 नवंबर से खुल करके 29 नवंबर को बंद हो रहा है। मिनिमम इसमें 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इसका जो पोर्टफोलियो होगा मित्रों, वो मल्टी कैप कैटेगरी का होगा, अर्थात इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। फंड को फंड मैनेजर को कोई बाध्यता नहीं रहती है कि वो स्पेसिफिक किसी लार्ज कैप में शेयर रखें या किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ज़्यादा रखें। वो स्वतंत्र होता है अपने मार्केट के
क्या कहते हैं मोटिव उसके मतलब परिस्थितियों के अनुसार लार्ज कैप में ज़्यादा करना चाहें तो लार्ज कैप को ले लेवे, यदि वो उसको लगता है कि मिड कैप में बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो मिड कैप का फोकस बढ़ा देगा, स्मॉल कैप का फोकस बढ़ा देगा। तो मल्टी कैप कैटेगरी का है और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये कह रहे हैं कि जो शेयर बॉटम पे ट्रेड कर रहे होंगे हम उन शेयरों को चुन करके निवेश करेंगे। लेकिन मेरा अपना मत है मित्रों, यदि फोकस्ड फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे बेहतर और भी कई फंड हैं, एक्सस 25, मोतीलाल 25, मोतीलाल का तो 35 फंड है वो भी बहुत बेहतरीन फंड है, ICICI का फोकस्ड म्यूचुअल है वो भी बहुत अच्छा फंड है, DSP ब्लैक रॉक 25 वो भी बहुत अच्छा फंड है। यानी इससे अच्छे और बेहतर विकल्प पहले से मौजूद है, इसलिए नए फंड में लगाने की तुलना में पुराने फंड पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। मोतीलाल ओसवाल 35 फंड बेहतरीन फंड है मेरे विचार से, उससे उम्दा फंड मल्टी कैप कैटेगरी में फोकस फंड में शायद ही कोई होगा। तो टाटा फोकस इक्विटी फंड से बेहतर है मोतीलाल ओसवाल 35 फंड में इन्वेस्टमेंट करना। मित्रों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।